Hello everyone, this is Dr. Farhad Pathan. Today we will see some more rubrics of differentiation between remedies natramur, ignatia, staphysegria, and sepia. We will also see rubrics in which mental symptoms are associated with physical symptoms. First, we will see rubrics which are like clue to the remedy. First is deceitful. Natramur and sepia are present in this rubric. Meaning of deceit is the action or practice of deceiving someone. बाई कंसिलिंग और मिसरीप्रेजेंटिंग द ट्रूथ हिंदी में कहते हैं छल या धोखा इट्सिटफुलर्जर्ट ओनली नैट रूमर इज प्रेजेंट मीनिंग ऑफ परजर इज टू टेल अ लाई इन अ लॉ कोर्ट आफ्टर प्रोमिसिंग फॉर्मली टू टेल द ट्रूथ मतलब सच बोलने की शपथ लेने के बाद भी वो कोर्ट में झूठ बोलता है और किसी को छल से फंसा देता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी के साथ ऐसा करता है क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ वो काम करता है बहुत वफादार होता है डिवोटेड होता है एंड द रूब्रिक इज लॉयल इस रूब्रिक में नैट्रमुर के साथ स्टैफिसेगरिया भी हैं मीनिंग ऑफ लॉयल इज़ गिविंग और शोइंग फर्म एंड कॉन्स्टेंट सपोर्ट टू अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हिंदी में कहते हैं वफादार इसीलिए जिन लोगों के लिए वो वफादार होता है उनके अपोज में जो भी लोग हैं उनको वो फंसा सकता है उनके लिए वो डिसीटफुल हो सकता है नेक्स्ट उब्रिक इज़ ऑनेस्ट सेपिया और स्टेफिसेगरिया इस रूब्रिक में है मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट इज फ्री ऑफ डिसीट ट्रूथफुल एंड सिंसियर हिंदी में कहते हैं ईमानदार नेक्स्ट उब्रिक इज़ हार्ड हार्टेड मीनिंग ऑफ हार्ड हार्टेड इज़ हैविंग और शोइंग नो काइंडनेस और सिंपति फॉर अदर पीपल हिंदी में कहते हैं कठोर हृदय वाला इस रूब्रिक में नाइट्रमूर और सेपिया ये रेमेडीज़ हैं जैसे हमने देखा नैट्रमुर डिसीट डिसीटफुल भी होता है लॉयल भी होता है हार्ड हाँग हार्टेड भी है आगे हम देखेंगे नैट्रमुर एक्स्ट्रा में भी है कॉशियस भी है ये अलग अलग पेशेंट्स में दिखाई देता है या एक ही पेशेंट में अलग अलग टाइम पर या सिचुएशंस में दिखाई देता है नेक्स्ट रूब्रिक इज़ एक्स्ट्रावेगन्स मीनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी देन इज़ नेसेसरी और रीजनेबल और समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव एंड नॉट नेसेसरी हिंदी में कहते हैं अपव्य या फिजुल खर्च इस रूब्रिक में नेट्रोमुर हैं नेक्स्ट इज कॉशियस इस रूब्रिक में नैट्रोमर के साथ इग्नेशिया भी हैं मीनिंग ऑफ कॉशियस इज केयरफुल अबाउट अवॉइडिंग डेंजर और रिस्क अ कॉशियस पर्सन इज नर्वस डेट समथिंग मे बी डेंजरस और अनवाइज सो दे ओनली डू इट वेरी स्लोली और आफ्टर अ लॉट ऑफ थाट नेट्रोमोर और इग्नेशिया पेशेंट्स कुछ होने से पहले ही प्रिकॉशंस लेते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए एंड देर इज़ अदर रूबरिक केयरफुलनेस द क्वालिटी ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू वॉट यू आर डूइंग सो दैट यू डू नॉट हैव एन एक्सीडेंट मेक अ मिस्टेक और डैमेज समथिंग इस रूबरिक में इग्नेशिया और सेपिया ये रेमेडीज हैं वो बहुत ध्यान देते हैं जब वो कोई काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल वो अपनी मेडिसिन बहुत ध्यान से सही समय पर लेते हैं डॉक्टर ने जो भी कहा है या कुछ अवॉइड करने के लिए कहा है तो वह सब कुछ फॉलो करते हैं सेपिया एंड स्टेफिसेग्रिया पेशेंट आर ग्रीडी रूबरिक इज ग्रीड क्यूपिडिटी मीनिंग ऑफ ग्रीड इज़ इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर समथिंग स्पेशली वेल्थ पावर और फूड हिंदी में कहते हैं लालच एंड द मीनिंग ऑफ क्यूपिडिटी इज़ अ स्ट्रॉग डिज़ायर फॉर मनी और पोजेशंस दोनों में डिफरेंस यह है कि ग्रीड खाने की भी हो सकती है और क्यूपिडिटी मेनली पैसों के लिए संपत्ति के लिए यूज़ किया जाता है इन चारों रेमेडीज़ में स्टेफेसेगरिया ईगोटिज़म में है नेक्स्ट रूब्रिक इज़ इम्पल्सिव मीनिंग इज एक्टिंग और डन सडनली विदाउट एनी प्लानिंग और कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट मतलब इग्नेशिया और स्टेफिसेगरिया पेशेंट्स बिना सोचे समझे अचानक से कोई डिसीजन या एक्शन ले लेती हैं सेपिया इज़ इन द रूबरिक कोयर कुइर इज रेफर्ड टू समथिंग एज ऑड और स्ट्रेंज अजीब या विचित्र सेपिया पेशेंट अजीब सी हरकतें करती है वो बहुत अजीब तरीके से चलती है कोइर गेट इन मीनिंग ऑफ गेट इज अ पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग ये सभी सेपिया पेशेंट में दिखाई नहीं देता ये रूब्रिक्स हम क्ल्यू की तरह यूज कर सकते हैं अगेन सेपिया इज इन द रूब्रिक प्रेम टू प्रे इज़ टू टॉक टू अ गॉड आस्किंग फॉर हेल्प और गाइडेंस हिंदी में कहते हैं प्रार्थना करना देअर इज द सब रूबरिक प्रेइंग फरवेंट मीनिंग ऑफ फरवेंट इज़ शोइंग स्ट्रांग एंड सिंसियर फीलिंग्स और बिलीफ्स सेपिया पेशेंट का भगवान पर बहुत विश्वास होता है वो बहुत भरोसे के साथ भगवान से प्रार्थना करती है ऐसा ही विश्वास वो डॉक्टर पर भी रखती है और डॉक्टर से प्रार्थना करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए सेपिया पेशेंट बिजी रहना चाहती हैं खाली बैठने से उसे तकलीफ होती है ऑक्यूपेशन एमुलरेट रेस्ट एग्रवेट कभी कभी वो बिजी रहने के लिए ऐसे काम भी करती है जो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जिसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं बिजी फ्रूटलेसली इस रुब्रिक में सेपिया के साथ इग्नेशिया भी हैं जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो वो इमपेशनट हो जाती है वो खाली बैठ ही नहीं सकती सिटिंग वाइल्ड सेपिया और इग्नेशिया डिफाइंड भी होती है मीनिंग ऑफ डिफाइंड इज फुल ऑफ और शोइंग अ डिस्पोजिशन टू चैलेंज रेजिस्ट और फाइट हिंदी में कहते हैं विद्रोही या निडर लेकिन कुछ सिचुएशंस में उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी बात दूसरों के सामने रख सके रूब्रिक इज कावरडाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन इस रूब्रिक में इग्नेशिया के साथ स्टेफिसेग्रिया भी हैं इग्नेशिया पेशेंट इतनी ज़्यादा माइल्ड होती है कि किसी भी तरह की तकलीफ को बिना किसी शिकायत के सह लेती है इतना ही नहीं कोई अगर उसके साथ अन्याय करे उस पर ज़ोर से चिल्लाए गुस्सा करे तो भी वो कोई कंप्लेन नहीं करती इज माइल्डनेस कंप्लेनिंग बियर्स सफरिंग इवन आउटरीच विदाउट इन चारों रेमेडीज़ में से सेपिया पेशेंट को जीने की इच्छा नहीं रहती कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इन लाइफ टू उसे ऐसा लगता है कि उसकी मौत करीब है जैसे वो अभी मरने ही वाली हैं डेथ डिजायर्स डाइंग सेंसेशन एज इफ डेथ सेंसेशन ऑफ या उसे लगता है कि वो अपने आप को बहुत आसानी से जख्मी कर सकती है इंजोरिंग हिमसेल्फ सेंसेशन एज इफ शी कुड ईजिली इंजोर हर सेल्फ नेक्स्ट वी विल सी रूब्रिक्स इन विच मेंटल सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विथ फिजिकल सिम्टम्स दैट मीन्स वेन अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम एनी फिजिकल सिम्टम और फिजिकल कंडीशन

एवर्जन अफेक्शन फॉर एनीबडी प्रेगनेंसी हैज़ नो अफेक्शन ड्यूरिंग नेक्स्ट इज एवर्जन फैमिली टू मेंबर्स ऑफ इस रूब्रिक में नेट्रमूर भी है नेक्स्ट इज एवरजन पर्सन ऑल टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेकिन नेट्रमूर पेशेंट प्रेगनेंसी में निराश हो जाती हैं डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग और उसे गुस्सा भी आता है जैसे उसके साथ कुछ इंजस्टिस हुआ है इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल नेक्स्ट देयर आर थ्री रूब्रिक्स इन सेपिया फर्स्ट इज eccentricity metrorrhagia after second is acceleration metrorrhagia after third is sensitive oversensitive metrorrhagia after metrorrhagia is abnormal bleeding between regular menstrual periods meaning of eccentric is tending to act in strange or unusual ways hindi mein sanki ya vilakshan vyakti एक्सिलोरेशन इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट हैप्पीनेस और लाइवलीनेस हिंदी में कहते हैं जिंदा दिली और सेंसिटिव मतलब संवेदनशील जब सेपिया में मेट्रो रेजिया की कंडीशन आती है तो उसके बाद वो एक तो बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है या सेंसिटिव हो जाती है नेक्स्ट रूब्रिक इन सेपिया इज स्ट्रेंज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव मेनापोज ड्यूरिंग मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज इज़ हैविंग लोज्ड फॉर्मर क्लोजनेस एंड अफेक्शन मीनिंग ऑफ मैनापॉज इज़ वेन मेस्ट्रेशन हैज़ नॉट ऑकर्ड फॉर वन फुल ईयर जब सेपिया पेशेंट मैनापॉज के फेज में होती है तो वो उन लोगों से भी दूर जाने लगती है जिनकी वो बहुत केयर किया करती थी उनके बहुत करीब थी अगेन इन सेपिया एक्जर्शन ऑफ आइज प्रोड्यूसेज एनजाइटी फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ लाइक स्विंग रीडिंग और इफ़ पेशेंट लुक स्टडीली इट प्रोड्यूसेस एंजाइटी रूब्रिक्स आर एंजाइटी सुइंग एंजाइटी रीडिंग वाइल एंजाइटी लुकिंग स्टडीली कभी कभी पेशेंट को एंजाइटी के साथ नौशिया भी होने लगता है जब वो अपनी आंखों को एग्जर्ट करता है एंजाइटी नौशिया विथ एग्जर्टिंग द आइजॉन नेक्स्ट इन कंप्लीट रेपर्ड्री देर इज़ अ रूब्रिक ऑफ एग्रिया सपरेशन ऑफ नेचुरल इंक्लीनेशन डिजायर्स राइट हैंड फोर्स टू राइट विद द इन सिंथेसिस रूब्रिक इज एलिमेंट फ्रॉम राइटिंग लेफ्ट हैंडेड सपरेशन ऑफ इन रुब्रिक्स का मतलब ये है कि जब किसी बच्चे का इंक्लिनेशन लेफ्ट हैंड से लिखने का होता है वो खाना भी लेफ्ट हैंड से खाता है ये उसकी बॉडी का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उसे बहुत सिखाने और समझाने के बाद भी वो अपने राइट right हैंड से नहीं लिख पाता और जब उसे फोर्स किया जाता है तो उस बच्चे में फिजिकल सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं जब स्टेफेसगरिया पेशेंट को स्काल्प में न्यूराल्जिक पेन होने लगते हैं उससे बात करने में गलती होने लगती है मिस्टेक्स मेक्स टॉकिंग रॉन्ग वर्ड्स यूजिंग न्यूरोलजी ऑफ स्काल पेन पेशेंट में फेस में स्पाजमोडिक और कन्वल्सिव पेन होते हैं तो पेशेंट को पेन स्टॉलरेट नहीं होते और वो रोने लगता है व्हीपिंग टीयरफुल मूड टेंडेंसी कन्वल्सिव स्पाजमोडिक पेन इन फेस विथ इन नेट्रोमोर देर आर टू रूब्रिक्स फर्स्ट इज टॉर्पर कॉन्स्टिपेशन इन सेकेंड इज इरिटेबिलिटी स्टिचेस इन रेक्टम फ्रॉम इनकॉन्स्टिपेशन मीनिंग ऑफ टॉर्पर इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी हिंदी में कहते हैं मंदता नेट्रोमुर पेशेंट को जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है और मेंटली और फिजिकली स्लो हो जाता है पेशेंट जब भी कोई मेंटल एग्जर्शन करता है तो उसके सर में और कानों में आवाज़ें आने लगती हैं जिसे हम टनीटस कहते हैं मेंटल एग्जर्शन रोरिंग एंड बजिंग इन हेड एंड ईयर्स फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन इन कैपेसिटी फॉर रोरिंग एंड बजिंग इन हेड एंड ईयर्स फ्राम पेशेंट को एनजाइटी चेस्ट में हार्ट रीजन में फील होती है और पेशेंट को लगता है कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए एंजाइटी चेस्ट इन हार्ट रीजन ऑफ हरी विथ जब भी नैट्रम्बूर पेशेंट को एंजाइटी होती है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है एंजाइटी रेस्पिरेशन डिफिकल्ट एक्शियस विद और इग्नेशिया पेशेंट जब भी इमोशनल हो जाती है तब उसे रेस्पिरेशन की कंप्लेंट्स डेवलप हो जाती हैं इमोशंस रेस्पिरेशन विद कंप्लेंट्स ऑफ और जब इग्नेशिया पेशेंट को चेस्ट पर प्रेशर फील होता है तो वो एंक्शियस हो जाता है उसे लगता है कि कहीं कुछ उसे हो ना जाए एनजाइटी प्रेशर फ्रॉम चेस्ट ऑन सेपिया पेशेंट में जब भी दांतों की कोई तकलीफ़ होती है तो उसमें कुछ मेंटल सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं एक्साइटमेंट टीथ विथ कंप्लेंट्स ऑफ एंड हिस्टेरिया टीथ विथ पेनिंग इस रूबरिक में इग्नेशिया भी है सो हियर आई एंड दिस वीडियो थैंक यू